जहां पीएम मोदी बंगाल पहुंचे थे, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पंजाब पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही किसानों को फसलों के नुकसान का भुगतान 30 दिन के अंदर कर देंगे, साथ ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे, देश के युवाओं के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी के अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बुधवार को पंजाब के मुल्लापुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। रैली में लुधियाना से उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के अलावा फरीदकोट से अमरजीत कौर साहोके और होशियारपुर की यामिनी गोमर समर्थकों के साथ शामिल हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। 22-25 लोगों का वो राज चाहते हैं, अदानी जैसे अरबपति, सारा का सारा काम नरेंद्र मोदी जी इनके लिए करते हैं। किसानों के काले कानून लाए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी फैलाई, महंगाई फैलाई। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को एक भाषा को दूसरी भाषा से, और पूरा का पूरा काम उन्होंने 22 लोगों के लिए किया है। सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी था उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों को दिया। राहुल गांधी ने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही किसानों को फसलों के नुकसान का भुगतान 30 दिन के भीतर देंगे, साथ ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे, देश के युवाओं के लिए काम करेंगे, मोदी की अग्निवीर योजना को हम बंद करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी। और दूसरा शहीद जिसको ये अग्निवीर कहते हैं, जवानों को इन्होंने मजदूर बनाया, उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अगर तुम शहीद हुए तुम्हें ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पनसेशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह अपमान है हिंदुस्तान की सेना का, देशवासियों पर अपमान है। इस योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने मात्र 17 मिनट के भाषण में जहां ज्यादातर समय प्रधानमंत्री की आलोचना में गुजारा, वहीं INDIA सरकार बनाने के बाद महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों को आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। राहुल ने कहा कि ये चुनाव 70 साल में पहली बार संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है।
मोदी संविधान ही नहीं तोड़ना चाहते बल्कि ऐसा उसे करने भी नहीं देंगे। संविधान सिर्फ किताब नहीं है जिसे फाड़ दिया जाए। ये जो चुनाव है ये 70 साल में संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी पार्टी ने खुलकर कहा है, उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संविधान हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है। ये संविधान अंबेडकर जी ने बनाया, महात्मा गांधी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर यह संविधान बनाया है।